चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सी वी आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के डीसीपी सुनील दत्त की निगरानी में पद्मा नगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 मुलाजमीन पुलिस के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमूल कमल सिंह नामी एक जराइम पेशा शख्स को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 45 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की गैर कानूनी रीफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त कर लिया गया। गुड मॉर्निंग, आधा आवर से ये एरिया में आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा। 30 टीम्स विथ 400 पीपल, पुलिसमैन, सीआर, वुमेन, 5 बजे से लेके 6:15 तक, 6:15 तक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करे। इसमें 45 टू व्हीलर्स और 7 गैस सिलेंडर्स डोमेस्टिक्स में कमर्शियल करके बेचने वाला और वो एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करके एडिबल ऑयल में बदलने वाले को और लिकर बेल्ट शॉप वाले को और राउडी शीटर को 5 सस्पेक्टों को पकड़े थे। और इसमें लोग भी कोऑपरेट करे, ये कानून के तहत कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा सिटी पुलिस की तरफ से। हमारे सीपी साहब, हमारे डीसीपी साहब और पूरा इसमें शामिल हो गए। और आम जनता के अपील है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कानून के अंदर दायरे के अंदर ही कानून करना, अच्छे सिटीजन लेके जीना बोल के अपील कर रहा हूँ। थैंक यू।